और भैया हम सुने तो बहुत थे कि लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं पर बहरे भी हो जाते हैं, ये देख के आपको पता चल रहा है। तुम चुप कर जाओ बेटा, तुम्हारी भाभी हम ही से प्यार करती है और ये बात साबित करने के लिए ना तुम जैसे टुच्चे लोगों का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको। तुम्हारी भाभी और हमारे बीच की बात है समझे। अब हमको एक बात बताओ बेटा, अगर वो हमसे प्यार नहीं करती हमारी दीवी साड़ी काहे पहन के आती और वो काहे करती जो जो हम उसको बोले हैं करने को। बताओ सारी बातें भूल गए तुम अब। अरे हम मानते हैं कि प्यार का अबे वो क्या कहते हैं बे इकरार, बे इकरार नहीं करी तो क्या हुआ, इनकार भी तो नहीं करी। मजाक लग रहा है ना सारा। ठीक है बेटा आज ही दूध का दूध और पानी का पानी करते तुम। अरे भैया आइए इधर, कहाँ कर रहे हैं अभी? इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है, अंदर चले गए तो नफड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी बड़ी वाली। भैया अंगद बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं, जरा सोचिए कहीं अंदर जाने पे और ज्यादा गड़बड़ ना हो जाए। अबे क्या सोच ले बे? अबे जब हम नहीं घबरा रहे तो हर रोंगटे का खड़े हो रहे हैं। बताओ एक बात सुन लो तुम सब, भाभी पे हमें पूरा भरोसा है समझे। आज अंदर जाके ना ये बात साबित कर देंगे हम कि तुम जो सोच रहे हो गलत है। अरे भैया अपने दिमाग से सोचिए भैया। अब क्या करें, कृष्णवा तो पगलाई गया है, लगता है आज ही सारा खेल खत्म कर देगा, तो दूसरा ट्रेक लगाना पड़ेगा बेटा। क्यों मैडम कैसा लग रहा है घर? देख लीजिए अच्छे से, यहीं पे आना है आपको। और हाँ कोई भी जिसकी कमी हो ना तो बोल दीजिए चीजू को, वो ले आएंगे। क्यों चीजू, आखिर आपको बहाना मिल ही गया दीदी को घर बुलाने का। बड़ी जल्दी हो रही है हमारी दीदी को घर पे लाने की, पर हाँ शादी के बाद हमें मत भूल जाना, आखिर इकलौती साली है हम आपकी। अरे भाई क्या बातें हो रही हैं? हैं? हाँ नितिन बेटा, हमारी होने वाली बहू को घर नहीं दिखाओगे? जी पापा क्यों नहीं, आइए प्रतीक्षा जी। श्याम जी हम आपकी बेटी को पाकर बहुत खुश हैं, अपने बेटे नितिन के लिए शायद हम इससे अच्छी बहू नहीं ढूंढ पाते। जगमोहन जी ये तो हमारी बेटी का सौभाग्य है। प्रतिज्ञा जी ये है हमारा स्टडी रूम और ये है हमारा छोटा सा गार्डन जहां पर हम सुबह बैठ के चाय पीते हैं। तो कैसा लगा आपको आपका होने वाला नया घर? बहुत सुंदर है नितिन जी, थैंक्स। उस दिन के बाद से हमारे घर पर सब बहुत परेशान थे, आज आपकी वजह से हमारे घर की खुशियां लौट आई है, वरना हम तो। प्रतिज्ञा जी हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि आप और आपके परिवार वाले हमेशा खुश रहें, हमें आपसे ही नहीं बल्कि आपके परिवार से भी अपने परिवार जैसा सरोकार होगा। अब दोनों परिवार हमारे लिए बिल्कुल एक जैसे हैं और उनके सुख दुख का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर घर के किसी भी सदस्य को कोई परेशानी हो प्रतिज्ञा जी तो वो परेशानी हमें भी होगी। नितिन बेटा मीठा खाने को आ जाओ, मम्मी बुला रहे हैं। एक काम करते हैं हम मीठा यहीं ले आते हैं, तब तक आप देख लीजिए शायद आपको आपकी पसंद का कुछ मिल जाए। बस हम यूं गए और यूं आए। La 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 la
जी प्रतिज्ञा जी, प्रतिज्ञा जी, पंच बावल का खेल खेलने नहीं आया हम यहाँ पे, अरे कछु बात क्लियर करने आए। बात क्लियर हो गई फिर चले जाएंगे यहाँ से, इसलिए डरिए नहीं। कह रहे हैं डरिए नहीं। प्रतिज्ञा जी, रोली जी, आपने प्रतिज्ञा जी को देखा है? नहीं तो, वो तो आए ही नहीं। क्या हुआ जीजू, कहाँ घुमा दिया आपने मेरी प्रतिज्ञा को? जल्दी ढूंढिए, वरना इसकी भरपाई अब जिंदगी भर नहीं कर पाएंगे। ओहो जीजू, आपका अभी से ये हाल है? हमें नहीं पता था कि आप दीदी को संभाल ही नहीं पाएंगे। अरे प्लीज बताइए ना, हम तो उन्हें स्टडी के पास छोड़ के गए थे, फिर पता नहीं हमें वहां मिली नहीं। नहीं जीजू, हम तो यहाँ बहुत देर से, चलिए हम कहीं देखते हैं, शायद से मम्मी के पास हो। चलिए बताइए, एक का तमाशा है, उस दिनों सगाई और आज ये सब नौटंकी, सब काहे लिए कर रही हैं? क्यों मेरी सगाई तोड़ने पर तुले हुए हो तुम? एक गलत बात क्यों करती हैं? हम हैं यहाँ पे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, निडर होके बात करिए। अरे दुनिया वालों से डर डर के मोहब्बत नहीं होती प्रतिज्ञा जी, अगर हमारे होते भी डरी ना, लानत है हम पे। अरे कितनी बार कहा है डरने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी बात क्लियर किए बगैर तो हम यहां से जाएंगे नहीं। प्रतिज्ञा, इसलिए डरिए मत। प्रतिज्ञा जी, हमारी तरफ देखिए, अभी भी डर लग रहा है आपको? बताइए, वही तो हम कह रहे हैं, हमारे होते हुए डर कैसे? अब बताइए, क्या सगाई आपकी मर्जी से हुई? अरे अब बताती क्यों नहीं है, ये सगाई आपकी मर्जी से हुई है कि नहीं? सही बात, अरे बेकार में डर के अपनी जिंदगी खराब करने जा रही थी आप। कितनी बार ही बोले हम आपको कि आपके सुंदर चेहरे पे दर्द जैसी चीज बहुत बकवास लगती है। खैर सगाई हो गई तो क्या हुआ, शादी नहीं होने देंगे। आप सिर्फ हमारी, अरे दुल्हनिया इस दिलवाले के घर आएगी, ये वादा रहा। प्रतिज्ञा जी,